दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जो कि लो रैम वाला मोबाइल यानी लो एंड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या फिर हैवी गेमिंग के शौकीन हैं। इसके अलावा अगर जनरल आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं और आपको मोबाइल स्लो महसूस हो रहा है तो आप इस ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रिक्स के ज़रिए आप अपने मोबाइल में जितनी मर्जी चाहे रैम को बढ़ा सकते हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से जो कि वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। तो देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके के तहत आप अपने रैम को आराम से बढ़ा सकते हैं। ये एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी या वर्चुअल रैम कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं मेरे मोबाइल की आपको रैम और प्रोसेसर वगैरह नज़र आ रहा है, या वो 4 GB रैम मेरे पास मौजूद है। मैं इसको 1 GB या 2 GB आपको इंक्रीज करके दिखाऊंगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके के लिए आपको सिंपल एक अदद ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। आप प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर आपने लिखा है स्वेप नो रूट, बल्कि SWAP भी आप लिखेंगे तो फौरन से आपके पास ये ऐप आ जाएगी। स्वेप के नाम से ऐप कहलाती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ये इंस्टॉल कर लेना है, बहुत आसान तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी और इसे ओपन करना। यहाँ मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं सिंपल तरीके से इंस्टॉल हो रहे हैं। जैसे इसको ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस आएगा, फर्स्ट टाइम ये आपसे परमिशन मांगेगा ना, तो वो क्या करना है, परमिशन वगैरह आपने दे देनी है। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुकी है और इसे ओपन कर रहा हूँ मैं। जैसे ही ओपन करूँगा ये हमसे ईमेल एड्रेस मांगेगा और आपने जो सा ईमेल एड्रेस है मोबाइल का उसे कनेक्ट कर देना है। कोई सेफ ऐप है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, इसे कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर इसका इंटरफेस में देख सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट स्वीप, डिलीट स्वीप और गेट कॉइन्स दिए हुए हैं, और क्रिएट स्वीप के ऊपर यह अमाउंट दी हुई है। आप इस अमाउंट को लिख सकते हैं, ये MBs में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 GB चाहते हैं तो 1024 MB यानी 1024 MB के बराबर 1 GB होता है, तो 1024 रख देंगे तो 1 GB हो जाएगा। इसी तरह इसको डबल कर देंगे तो ये 2 GB हो जाएगा हमारे पास। आपको जितनी रैम चाहिए आपने वो अमाउंट लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 GB आप इंक्रीज करके आपको दिखाता हूँ, 1024 लिख देंगे तो ये क्या करेगा, उसे क्रिएट कर देगा यहाँ पर। उसके बाद मुझे क्रिएट स्वीप पर क्लिक करना, जैसे मैं क्रिएट स्वीप को करूँगा वो चल जाएगा, पर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा फर्स्ट टाइम पर यू डोंट हैव इनफ कॉइन, यानी वो एक तरह से आपको इश्तिहार दिखाने का कहेगा। गेम की एक ट्रिक्स है, उसके जरिए इश्तिहार दिखाते हैं और यही इनका तरीका है। आपको ये इश्तिहार दिखना पड़ेगा, 5 सेकंड का इश्तिहार होता है बस ये। जैसे इश्तिहार दिखेंगे वो आपको कॉइन दे देगा और आपको वो क्रिएट कर देगा स्विप। स्विप क्रिएट करने से हुआ क्या कि जो आपकी मेमोरी कार्ड है उसके अंदर वो रैम की जगह एक बना देगा, एक फाइल। जैसे ही आपकी रैम फुल होगी तो वो उस जगह को यूज़ करेगा, ठीक है। तो इस तरह आपकी रैम बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास मेमोरी कार्ड में बहुत जगह खाली होती है। जो फ़ोन के स्टोरेज होता है उसमें बना देगा अगर मेमोरी कार्ड आपके पास नहीं है। तो मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ बनाएगा, वो चाके पर आसानी से आप उसको समझ सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 GB की बनाई तो 1 GB की कुछ अराउंड ये फाइल अपनी क्रिएट करेगा। तो यहाँ फाइल मैनेजर में जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं एंड्रॉयड में जाना है आपने। एंड्रॉयड में जाएंगे तो यहाँ पर डेटा में जाना है। जैसे एंड्रॉयड डेटा में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक फोल्डर नज़र आएगा, इसमें आपने जाना है और फिर फाइल में जाना है, ठीक है। मैं उसे एरो के जरिए हेल्प कर देता हूँ आपकी। यहाँ देख सकते हैं आपकी 1 GB की फाइल, 1.07 GB की फाइल बन चुकी है। यही फाइल बेसिकली हमारे पास रैम के तौर पर यूज़ होगी। तो आप चाहें तो उसको बहुत बढ़ा सकते हैं और बढ़ा के मज़े से आप लोग इसमें अपने मोबाइल को यूज़ करिए, विदाउट लैग यूज़ करिए। और अगर आप गेमिंग वगैरह का शौकीन है तो गेमिंग भी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनके मेमोरी के मसाइल भी हल हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।